देहरादून सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की बैठक। केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों पर की चर्चा। कांवड़ यात्रा के संचालन की संभावना पर हुआ मंथन। अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजना ने पकड़ी रफ्तार। सरकारी स्कूलों में भी होगी इंग्लिश मीडियम जैसी पढ़ाई। प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान। काशीपुर में आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कुठियाल ने कार्यकर्ताओं को दिए टिप्स। बोले, देवभूमि की सरकार दिल्ली सरकार से सीख ले, पहले मुफ्त बिजली की आलोचना करती थी बीजेपी और कांग्रेस। और अल्मोड़ा में पुलिस कार्यालय में मासिक अपराध गोष्ठी का हुआ आयोजन। यातायात व्यवस्था सुधारने पर दिया गया जोर। नशा और साइबर अपराध पर शिकंजा कसने की तैयारी। नमस्कार, आप लोग उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों और बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान की प्रगति की समीक्षा की है। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि वो जल्द ही केदारनाथ धाम का भ्रमण करके निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य और बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के अनुसार किए जाने वाले कई निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने निर्देश दिया है कि इन योजनाओं का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विजन के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ को बद्रीनाथ की तरह मंदिर परिसर के सौंदर्यकरण, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, लेक फ्रंट डेवलपमेंट, एरावल प्लाजा समेत कई कार्यों की डीपीआर तैयार करने के लिए भी जल्द से जल्द कहा है। और उन्होंने निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दे दिए हैं। साथ ही ये कहा है जितना जल्द हो सके काम पूरा करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में जन समस्याओं को सुना है। लोगों ने सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, आर्थिक सहायता से संबंधित समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जन समस्याओं के त्वरित निदान के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ पब्लिक तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया और अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जन समस्याओं के समाधान के साथ ही रोजगार, महिला सशक्तिकरण और उत्तराखंड के ग्रामीण विकास पर भी राज्य सरकार का विशेष फोकस है। उत्तराखंड सरकार कांवड़ यात्रा के संचालन को लेकर पड़ोसी राज्यों से बात करने के बाद ही इस संबंध में कोई निर्णय लेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा 25 जुलाई से शुरू करने का ऐलान करके उत्तराखंड सरकार की दुविधा बढ़ा दी है। उनके इस ऐलान के बाद से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक बुलाई है जिसमें कांवड़ यात्रा के संचालन की संभावना पर मंथन हुआ। शुक्रवार को पड़ोसी राज्यों से भी बात करके सरकार कोई निर्णय ले सकती है। बैठक में मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और इस संबंध में पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापक विचार विमर्श करके सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा। बैठक में मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय देहरादून में कोविड से बचाव के लिए की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा आज ही की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोविड से बचाव में टीकाकरण जरूरी है, इसके साथ ही टेस्टिंग पर ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए कहा कि व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए, दिशा निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा। साथ ही सभी जिला अस्पतालों, पीएससी में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन, आईसीयू में वेंटिलेटर और बच्चों के लिए अलग से वार्ड बनाने को कहा गया है। सीएम ने यह भी कहा है कि इस संबंध में सभी आवश्यक जितनी भी व्यवस्थाएं हैं जुलाई के अंत तक उनको सुनिश्चित कर लिया जाएगा ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। कालाढूंगी शहरी विकास मंत्री और कालाढूंगी विधायक वंशीधर भगत ने मंडल कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक करके उनकी समस्याएं सुनी और उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान किया। इस दौरान उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से तैयार रहने को कहा। साथ ही विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस का काम है टांग खिंचाई करना। उन्होंने कार्यकर्ताओं के बल पर एक बार फिर से राज्य में 60 सीटों से ज्यादा जीतकर सरकार बनाने की बात कही।
आज नगर के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठने का एक मन कल चर्चा हुई थी। कल हम धापला गए थे तो चर्चा हुई थी कि नगर क्षेत्र जो हमारा है, पहले से एक मंडल होता था अलग, तो नगर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ थोड़ी देर बैठेंगे, चर्चा बातचीत करेंगे। उस संबंध में बैठे और चूँकि हम राजनीतिक लोग हैं इसलिए राजनीतिक चर्चा की और कांग्रेस ने इस देश के लिए क्या क्या नहीं किया ये सब उसका उल्लेख किया। हमारे देश में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने 24 दलों की सरकार होते हुए भी सबसे बातचीत करने के बाद हमको विशेष राज्य का दर्जा दिया और विशेष राज्य के दर्जे के साथ साथ हमको विशेष अनुदान दिया जो 12 साल तक चला था। उस अनुदान के तहत 90% सब्सिडी में हमको केंद्र सरकार से पैसा मिलता। लेकिन दुर्भाग्य इस प्रदेश का है कि कांग्रेस आई और आते ही उसने उस सब्सिडी के अनुदान को समाप्त कर दिया। तो ये सब मैं बता रहा था कि कांग्रेस ने इतना सब किया है तो उसके लिए आज हम पर टिप्पणी करी जा रही है कि 3 मुख्यमंत्री बना दिए। ये हमारे परिवार का मामला है, 57 लोगों में हमने 3 मुख्यमंत्री बनाए हैं तो कहीं कोई क्यों नहीं, कोई बातचीत नहीं। लेकिन कांग्रेस की स्थिति क्या है कि 11 लोग हैं, 1 महीने से अपना एक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पा रहे हैं, इसलिए नहीं चुन पा रहे हैं, जिसका नाम लेंगे तो ये 11 में से 3 फाड़ हो जाएंगे। ये स्थिति है कांग्रेस की आज। तो इसलिए कांग्रेस का इस समय बिल्कुल ढंग से सफाया हो इसके लिए सब लोग बैठे हैं, मन बना के बैठे हैं, सब लोग लगे हैं। तो आज हमने एक प्रकार से नगर मंडल से इस बात की शुरुआत की है। बीजेपी नेता और उत्तराखंड के पूर्व मंत्री विपुल अग्रवाल ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री बनते ही पिछले मात्र 3 दिनों में जिस प्रकार से जनता के लिए निर्णय लिए हैं, संकल्प लिए हैं या फिर घोषणाएं की है, उससे प्रदेश की जनता विशेषकर युवाओं को बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। लेकिन ऊर्जा मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के द्वारा 100 यूनिट तक घरेलू उपभोक्ताओं को फ्री बिजली देने और 200 यूनिट तक बिल लाने, उपभोक्ताओं को 50% तक की छूट देने की घोषणा ने विरोधी पार्टियों को अभी से करंट लगा दिया है। माननीय पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पिछले 3 दिनों से जो सरकार चल रही है और रॉकेट की गति से माननीय धामी जी ने जो निर्णय किए हैं और सरकार ने जो घोषणाएं की हैं, जो संकल्प लिए हैं, उससे प्रदेश की जनता को बहुत ही लाभ मिलने वाला है। लेकिन जो हमारे विरोधी पार्टी के लोग हैं उनको करंट सा लग गया है। अभी डॉक्टर हरक सिंह रावत जी ने कल ही घोषणा करी है, उसमें जो घरेलू उपभोक्ता हैं उन्हें, मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए, उन्हें जो है 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और 200 यूनिट बिजली का बिल में उन्हें 50% तक की छूट मिलेगी। इससे विरोधियों की तो होश उड़ ही है लेकिन जनता को बहुत ही लाभ मिलने वाला है। चाहे सरकार की योजना युवाओं को रोजगार देने की हो, 20-22 हज़ार जो अभी भर्तियां हमारे माननीय धामी जी ने निर्णय लिया है कैबिनेट में, उसके तहत लोगों को रोजगार मिलने वाला है। और जो हमारे जो गेस्ट शिक्षक हैं उनके लिए, अतिथि शिक्षकों के लिए 15,000 से 25,000 रुपये उनका वेतन कर दिया गया है, जिससे बहुत ही अच्छा जो है संदेश है, लोगों में बहुत ही उत्साह है, जनता के अंदर जो है उसको बहुत ही लाभान्वित महसूस कर रही है। अब विरोधी हैं, विरोधी तो कुछ भी करते रहते हैं कहीं। माननीय आपके इस प्रश्न का उत्तर तो पिछले 3 दिन का उनका कार्यकाल ही बता देता है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। माननीय धामी जी ने पिछले 3 दिनों में रॉकेट की गति से क्या निर्णय लिए, ऐसा ऐतिहासिक निर्णय, मतलब जो कि कल्पना से भी परे। बिल्कुल निश्चित रूप से जनता के हित में निर्णय लिया गया है। सरकार अंतिम व्यक्ति तक, जो हमारे प्रदेश का अंतिम छोर का व्यक्ति है, उस तक जो है लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है। जो भी सरकार से हो सकता है, जितना हो सकता है, इस प्रदेश की भलाई के लिए, इस प्रदेश के युवाओं के लिए, हमारे प्रदेश के आंदोलनकारियों के सपनों को साकार करने के लिए, उतना सरकार अपनी पूरी शक्ति के साथ करने वाली है और कर भी रही। जितना मैं उन्हें अभी तक जानता हूँ पिछले 20-25 सालों में, उससे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि लाभ तो जनता को मिलेगा ही मिलेगा और इस उत्तराखंड में हमारी भाजपा की दोबारा सरकार पूर्ण बहुमत बनी।
कालाढूंगी कोटावाग ब्लॉक अंतर्गत दो विद्यालयों को उत्कृष्ट आदर्श विद्यालय बनाया गया है, जिसका शुभारंभ कालाढूंगी में खुद शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने किया है। राजकीय इंटर कॉलेज पहुंचकर शिक्षा मंत्री ने विद्यालय प्रांगण में पहले वृक्षारोपण किया और विधिगत रूप से उत्कृष्ट विद्यालय का शुभारंभ किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि गरीब बच्चों को गुणवत्ता युक्त और तकनीकी शिक्षा मिले, जिसके लिए प्रदेश में 190 उत्कृष्ट विद्यालयों का चयन किया गया है। इसके अतिरिक्त जो विद्यालय CBSE बोर्ड के मानकों को पूरा करेंगे, उन विद्यालयों को भी दूसरे चरण में उत्कृष्ट विद्यालय बनाने का काम किया जाएगा। प्रदेश का जो सरकारी सिस्टम है, इसमें गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, उनकी भी इच्छा होती है कि हमको भी आज आधुनिक ताकि और बढ़ना चाहिए, हमको भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ने का मौका मिला। उसी नाते आम जनमानस का विश्वास सरकारी सिस्टम पे पैदा हो, इस नाते हमने CBSE बोर्ड से मान्यता दिलवाकर 190 स्कूलों में इंग्लिश मीडियम हमने पढ़ाने का निर्णय लिया है। नई शिक्षा नीति का जो पालन है, UKG LKG से लेकर 5th तक, इसमें नई शिक्षा नीति का हम पालन करेंगे। मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन 6th से हम इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे, ये हमने तय किया। और आगे भी हम सेकंड फेज अटल उत्कृष्ट विद्यालय का हम चालू करने वाले हैं, जिसमें जो भी स्कूल CBSE बोर्ड के मानकों को पूरा करते होंगे, हम सेकंड फेज में उनको मान्यता दिला के हम अधिकांश विद्यालयों में हम गरीबों को बच्चों। सरकार की योजना अटल उत्कृष्ट विद्यालय से उन बच्चों के सपनों को जरूर पंख लगेंगे जो कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ने का सपना आज तक देख रहे हैं। सरकार की इस योजना ने रफ्तार पकड़ ली है और सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द स्कूलों में शिक्षक और पढ़ाई की तैयारियों को और भी दुरुस्त किया जाए। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने सरकारी स्कूल के बच्चों को भी प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने का प्रस्ताव अब तैयार कर लिया है। इसको अमलीजामा देने का काम लगभग शुरू हो चुका है। पूरे प्रदेश में 190 इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलने जा रहे हैं और इसी तर्ज पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने हल्दू जौड़ इंटर कॉलेज को भी उत्कृष्ट विद्यालय में चयनित किया है। उन्होंने इस विद्यालय में पहुंचकर इसका शुभारंभ किया और कहा कि सरकार की मंशा सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को उच्च शिक्षा देने की है। गरीब भी चाहता है कि मेरा जीवन जैसा बीतना था बीत गया, लेकिन मेरे बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और इंग्लिश मीडियम भी मिलनी चाहिए। उसकी कल्पनाओं के तहत हमने तय किया कि प्रदेश के अंदर 190 विद्यालयों में अटल उत्कृष्ट विद्यालय करने की स्थापना की और उनकी मान्यता भी CBSE बोर्ड से हमने ले ली है। और इसमें इंग्लिश मीडियम पढ़ाने वाले हमारे विभागीय अधिकारी होंगे, शिक्षक होंगे, जिनका स्क्रीनिंग टेस्ट भी 15 दिन के अंदर हो जाएगा और विद्यालय माध्यम से पहुंच जाएगा। CBSE बोर्ड से भी मान्यता मिल गई है। तो हमारी कोशिश है कि आने वाले टाइम में जितने हमारे माध्यमिक स्कूल हैं, नई शिक्षा नीति का पालन करते हुए, RTE का पालन करते हुए, हम अधिकांश स्कूलों को अपने इंग्लिश मीडियम बनाएंगे ताकि गरीबों को भी अपने बच्चे को। तो भाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने 26 लाख रुपए की विधायक निधि से क्रय की गई आधुनिक अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीनों का फीता काटकर शुभारंभ किया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समाधान करने की बात कही। और आपको बता दें कि भाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीते लंबे समय से अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीन उपलब्ध कराने के क्षेत्र की जनता द्वारा मांग की जा रही थी। जनता की मांग का संज्ञान लेकर कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने विधायक निधि से आधुनिक अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीन खरीदने के लिए स्वास्थ्य विभाग को 26 लाख रुपए की धनराशि अवमुक्त की है, जहां कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने फीता काटकर और अल्ट्रासाउंड मशीन का आज शुभारंभ किया है बटन दबाकर भी, जिसके बाद स्वास्थ्य केंद्र में 80 लाख रुपए की लागत से बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का कैबिनेट मंत्री ने निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आधुनिक अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीन का क्षेत्र की जनता को काफी फायदा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता की स्वास्थ्य संबंधी जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा करने की हर संभव कोशिश होगी। देखिए, यहाँ पर हमने डिजिटल CR एक्सरे मशीन यहाँ पर दी है, जिसकी लागत 7 लाख रुपया है। और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड मशीन जो बेहतरीन क्वालिटी वाइज बेहतरीन है, जिसकी लागत 19 लाख रुपया है, ये हमने यहाँ पर आज इस हॉस्पिटल को और जनता को समर्पित की है। इसके अलावा हमने पिछले दिनों में ऑक्सीजन पाइपलाइन का भी हमने विधिवत उसकी शुरुआत होने जा रही है। 80 लाख की लागत से यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है। तो निश्चित रूप से कोविड को देखते हुए
ये आवश्यकता भी है, ज़रूरत भी है और यह क्षेत्र बहुत जो आवश्यकताएँ होती है, सुविधाएँ होती है, स्वास्थ्य सेवाएँ उसके जो ज़रूरत होती है उसको देखते हुए अल्ट्रासाउंड मशीन का होना यहाँ अत्यंत आवश्यक था। तो जो भी हम बेहतर कर पाएंगे बाजपुर के विकास के लिए, हॉस्पिटल के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं। यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो गया, जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका, खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने मंगलौर के लंडोरा स्थित आंचल डेयरी की प्रयोगशाला में स्थापित एफटीआई तकनीक पर आधारित मिल्क एनालाइजर मशीन का लोकार्पण किया है और कहा है कि एफटीआई मशीन पूरी तरीके से विदेशी तकनीक से बनी है। मशीन से वसा, प्रोटीन, न्यूट्रलाइजर, वसा अप मिश्रण का पता 30 सेकंड में पता लगाया जा सकता है। दूध की मिलावट को आसानी से पकड़ा जा सकता है। मशीन को दुग्ध संघ हरिद्वार को समर्पित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि डेयरी व्यवसाय और सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही ये भी कहा कि उत्तराखंड सरकार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कैबिनेट की पहली बैठक में सीएम ने जिस तरीके से युवाओं के लिए निर्णय लिए हैं ये बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। वो विशेषकर हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक चिलिंग प्लांट लगाने का था जिसका भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। आज दुग्ध संघ हरिद्वार में आने का भी मौका मिला। यहाँ पर एक हाईटेक मशीन एफटीआई मशीन का हम लोगों ने शुभारंभ किया है जिसके माध्यम से अब दूध का जो परीक्षण है जिसमें हम लोग फैट भी देखते हैं, प्रोटीन भी देखते हैं, SNP भी देखते हैं, वो 30 सेकंड के अंतर्गत जो है वो दूध की रिपोर्ट आ जाएगी। तो इस प्रकार की एक 80 लाख की मशीन जो है यहाँ पर दुग्ध संघ हरिद्वार को जो है वो आज समर्पित की गई है। तो हमारी कोशिश है कि डेयरी व्यवसाय को और दुग्ध सहकारी समितियों को जो है हम लोग प्रमोट करें, दुग्ध उपार्जन अधिक से अधिक हो सके, लोगों को क्वालिफाइड दूध मिल सके तो और लोगों को प्योर दूध मिल सके, उसी दिशा में उसका परीक्षण भी और उसका निरीक्षण भी यही देखने आज मैं यहाँ पर पहुँची थी। और मुझे खुशी है कि हरिद्वार दुग्ध संघ जो है अच्छा काम कर रहा है, लगातार जो है इस दिशा में प्रयासरत भी है और प्रोग्रेस भी दे रहा है। मैं समझती हूँ कि युवा उत्तराखंड के लिए युवा मुख्यमंत्री का होना आवश्यक था और शायद इसी दिशा में निर्णय भी हुआ है। और जिस प्रकार से प्रथम कैबिनेट बैठी है और प्रथम कैबिनेट में जिस प्रकार से 7 संकल्प लिए गए हैं तो मुझे लगता है कि चाहे वो बैकलॉग भरने से लेकर हो, युवाओं को रोजगार देने से लेकर हो, स्वरोजगार देखने से लेकर हो, या विभागों में रिक्त पदों को भरने से लेकर हो, सरकार का सारा फोकस है, युवा मुख्यमंत्री का सारा फोकस युवाओं को रोजगार देने के संदर्भ में जो है वो पहले की कैबिनेट समर्पित हुई है और उनको रोजगार देंगे इस विश्वास के साथ में हम लोग जो है हम लोग इम्प्लीमेंट भी करके दिखाएंगे और 2022 के चुनाव में हम जाएंगे भी और प्रचंड बहुमत की सरकार दामी जी के नेतृत्व में बनाएंगे, ऐसा विश्वास है। रखना और किस आदमी को नहीं रखना, उसको किस आदमी की क्वालिफिकेशन है, उसकी योग्यता का वह संस्था उपयोग कर सकती है उसका निर्णय है, क्योंकि इसका डिपार्टमेंट खर्चा नहीं उठाता है, इसको दुग्ध संघ स्वयं वहन करता है, तो ये उसका विवेक है। वात्सल्य योजना के रूप में ऐसे हमारे अनाथ हुए बच्चे वर्ष 2020 1 मार्च 2020 से लेकर आपके 2022 31 मार्च 2022 तक में ऐसे अनाथ हुए बच्चों को हमने वात्सल्य योजना से जोड़ने का काम किया है। लगभग 2000 के करीब ऐसे बच्चे हमारे चिन्हीकरण कर लिए गए हैं और जिसमें यदि हम कहें कि कोविड से अनाथ हुए बच्चे हैं तो वो करीब 50 के आसपास है, शेष बच्चे अन्य कारणों से अनाथ हुए हैं। हमारे पास में लगभग 500 आवेदन आ चुके हैं और चिन्हीकरण की दिशा में 2000 चिन्हीकरण हो चुके हैं। मैं बहुत जल्द वात्सल्य योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री दामी जी के माध्यम से बहुत जल्द हम लोग समय लेकर उसका शुभारंभ भी करेंगे। उसमें हम अपने बच्चों को 3000 रुपये के आर्थिक सहयोग प्रति माह प्रति बच्चे हम लोग देंगे। इसके साथ साथ में मुफ्त शिक्षा, मुफ्त राशन और तकनीकी शिक्षा और साथ साथ में 5% का आरक्षण, साथ साथ में जिलाधिकारी का पूरी तरीके से उसकी संपत्ति का संरक्षण, यानी कि पूरी एक सुरक्षा कवच जो है हम अपने ऐसे अनाथ हुए बच्चों को देने जा रहे हैं जो कि मैं समझती हूं कि उत्तराखंड ने एक मिसाल पेश की है। रामनगर में आयोजित आम आदमी पार्टी के युवा संवाद कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे वरिष्ठ आप नेता कर्नल अजय कोटियाला काशीपुर में पार्टी कार्यालय पर अल्प समय के लिए रुके और उन्होंने प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक वालिया के साथ काशीपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के बाहर ही पत्रकारों से वार्ता में कहा कि देवभूमि की बीजेपी सरकार दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार से सीख ले। जिस तरह दिल्ली में बिजली मुफ्त दी जा रही है उसी तर्ज पर उत्तराखंड में भी सरकार को बिजली मुफ्त देने की घोषणा करनी पड़ रही है, जबकि पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दिल्ली में मुफ्त बिजली देने की आलोचना करती थी।
उत्तराखंड में ताकत ही यूआर महिलाओं की है मेन, एक्स सर्विस मैन पैरामिलिट्री फोर्सेज की, यहाँ के जो समाज के लोग हैं। तो युवा तो आज वो एक जनरेशन है जो नई सोच जो है, नया नवनिर्माण जो है उत्तराखंड का, उसके लिए सबसे बड़ी ताकत लेकर के चलेगा। जिस तरीके से हमको आज कुमाऊं में वेलकम करा जा रहा है, जसपुर से लेकर के और अभी तक, और ये जो मालाएं जिस तरीके से हमारे ऊपर डाली गई हैं एक अच्छे विचार से, हमारी आंखों में आंख मिला करके, इन युवाओं को तो हमने ज़रूर यूज़ करना है। और इसी ताकत के साथ में हम नवनिर्माण आजकल ना, ये उत्तराखंड में काफ़ी, मैं बोलूँगा, उथल पचल मच रखी है। जैसे राजनीति बोलें या डिसीजन मेकिंग बोलें, तो दिल्ली से डिसीजन हो रहे हैं, कभी किसी तरीके की कोई डिक्लेयर कर रहा है कि मुख्यमंत्री चेंज होते जा रहे हैं, कभी हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर रहे हैं। तो ऐसे वाली जब चीज़ें होती हैं तो उसमें केजरीवाल जी ने आकर के यहाँ पे हम सबको एक हौसला बढ़ाना है और एक बड़ा अच्छा डिक्लेरेशन भी करना है, जिसका कि कल हम एक सीएम हाउस का घेराव करने के लिए भी पूरी उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की टीम ऑल ओवर उत्तराखंड से आकर के, और क्या कर रहे हैं? देखो, ये तो सबको पता है कि पहले वो कहते थे फ्री बिजली फ्री पानी ये क्या चीज़ है, पर चलो, मतलब अगर केजरीवाल सरकार से, दिल्ली सरकार से, दिल्ली की बीजेपी सरकार सीख रही है कि कैसे गवर्नेंस होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से एक तो मुख्यमंत्री बदले नहीं होंगे, और अगर वो लेके आ पाएंगे यहाँ बिजली तो बहुत अच्छा है। हम तो कहते हैं उत्तराखंड का ना निर्माण होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से वो स्टेटमेंट चला था, मेरे को लगा न्यूज़ को सुन करके कि कोई कॉन्फिडेंस वाला था। अब आप लीजिए, जिन अधिकारियों ने यहाँ उत्तराखंड में प्लान बनाए हैं, वो गवर्नमेंट ऑर्डर बनाए हैं कि बिजली के ना रेट बढ़ने चाहिए, उन्हीं अधिकारियों को बोला जा रहा है तुम तरीका ढूंढो कि बिजली फ्री कर दो। तो मतलब कोई लॉजिक बनता नहीं है उस चीज़ पे। कहीं पे हो रहा है कि कह रहे हैं कि ये जो बिजली है दिल्ली के मॉडल पे चलेंगे, अगर दिल्ली का मॉडल बोल रहे हैं तो बहुत अच्छा है। मान लो दिल्ली में बिजली होती है फ्री, महीने का बिल आता है या दो महीने में बिल आता है, तो पता नहीं है वो दो महीने का होगा एक महीने का होगा, तो हंसी मजाक तो ज़रूर है। लेकिन अगर ये तरक्की के लिए सोच रहे हैं तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। मैं आजकल पहाड़ों में घूम के आ रहा हूँ, गढ़वाल साइड में, वहाँ पे ना पंखे खड़े रहते हैं, चलते नहीं हैं। तो महिलाएं पता क्या बोल रही हैं कि बेटा तेरे लिए लगाया था ये पंखा, तेरे वेलकम के लिए, लेकिन ये हड़ताल पे है क्योंकि इसमें बिजली नहीं है। अगर ऐसी वो स्थिति है, बिजली फ्री दिल्ली में है, उत्तराखंड में फ्री नहीं है, क्लेम करते जा रहे हैं, मेरे को तो ये भी लगता है कि बाकी में अगर करना है ना तो हम भी मदद करने को तैयार हैं। हम ही सिखा देते हैं कैसे बिजली को फ्री करना है, क्योंकि वो मॉडल बनाने के लिए खाली ये थोड़ी बोल दिया, उसे करने की भी तो ज़रूरत है कहीं ना कहीं। एक दबंग यंग आदमी है, उन्होंने युवा मोर्चा शुरू करा है, और कोई भी मुख्यमंत्री उत्तराखंड में बने, हम तो चाहते हैं कि वो ना उत्तराखंड को एक सही दिशा में लेके जाने की कोशिश करे। चलो, हो सकता है कि धामी जी के बाद में शायद मुख्यमंत्री बदली ना हो, नहीं तो यहाँ तो देश भर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ अल्मोड़ा में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के विरोध में नारेबाजी की है। इस दौरान सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार के दौर में आम जनता महंगाई के बोझ तले दब चुकी है। आम आदमी दैनिक उपभोग की वस्तुओं से लेकर पेट्रोलियम पदार्थ तक महंगे होने से परेशान है। जो कांग्रेस 2014 में पेट्रोल डीजल के दाम छोड़ गई थी, और आज 100 से ऊपर पेट्रोल का दाम पहुंच चुका है डीजल। नैनीताल वासियों के साथ ही पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए नगरपालिका प्रशासन और जिला प्रशासन ने नैनीताल के माल रोड पर ई रिक्शा संचालन शुरू कर दिया है, और इसी कड़ी में आज 4 ई रिक्शा को उपजिलाधिकारी प्रतीक जैन ने हरी झंडी दिखाई। अब नैनीताल की माल रोड में पहली बार ई रिक्शा दौड़ती नजर आएगी। उपजिलाधिकारी ने बताया कि लंबे समय से नैनीताल के माल रोड पर पैदल रिक्शा का संचालन हो रहा था, जिसकी वजह से पर्यटक सीजन और बरसात के दौरान रिक्शा चालकों और पर्यटकों समेत स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो वहीं पैदल रिक्शा के समय भी अधिक समय लगता था। रिक्शा संचालन से सभी को बेहतर सुविधा देने के लिए यहां पर ई रिक्शा संचालन को अब अनुमति दे दी गई है। देखिए, बहुत ज़रूरी बात थी नैनीताल के लिए कि हम यहाँ पे ई रिक्शा चालू करें। अभी तक जो रिक्शा सेवा हम यहाँ पे प्रोवाइड करते थे मल्लीताल से तल्लीताल तक और तल्लीताल से मल्लीताल तक, वो आप देखेंगे कि साइकिल रिक्शा हम यूज़ करते थे। उससे जो रिक्शा चालक है उसको भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, और जो यहाँ से मल्लीताल से तल्लीताल जाने का जो डिस्टेंस है उसमें जो समय जाया करते थे वो भी बढ़ जाया करता था। तो नैनीताल में भी आप देखेंगे कि मॉल रोड एकदम सीधी रोड है, जो कि एक प्लेन के तरह से ही है। यहाँ पे बिल्कुल भी हिली एरिया नहीं है, तो यहाँ पे ई रिक्शा का संचालन बहुत ही अच्छे से किया जा सकता है। इससे टूरिस्ट को भी सुविधा होगी और रिक्शा चालक को भी सुविधा होगी। आप देखेंगे कि जो ई रिक्शा है वो एक स्ट्रीमलाइन तरीके से मूव कर सकता है, तो उससे ऐसा कहा जा सकता है
कि जाम जो जगह जगह पे लग जाते हैं उसमें हो सकता है थोड़ा। अल्मोड़ा पुलिस ने पुलिस कार्यालय में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें यातायात व्यवस्था सुधारने के साथ ही नशा और साइबर अपराध पर शिकंजा कसने पर जोर दिया गया। एसएसपी पंकज भट्ट के नेतृत्व में आयोजित इस अपराध गोष्ठी में सभी थानों के प्रभारियों समेत एसओजी और यातायात प्रभारी मौजूद रहे। इस मौके पर एसएसपी ने कहा कि पहाड़ों में नशे के बढ़ते प्रभाव को कम करना, यातायात व्यवस्था को ठप करने के साथ ही साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए इस बैठक में जोर दिया गया। मैं हमारी जो प्राथमिकता है उसमें चार प्राथमिकताओं पर विशेष बल दिया जा रहा है। यातायात के लिए हम लोग जो है विशेष रूप से अभियान चलाएंगे और सभी थाना क्षेत्रों में यातायात किस प्रकार से अच्छा और किया जा सके इस पर फोकस थी ये मीटिंग। इसके अलावा नशे पे हमारा लगातार अभियान जारी है, इसको और तेज़ी लाई जाएगी। इसके अलावा जो साइबर अपराध है उसको हम प्राथमिकता पर ले रहे हैं, तो मासिक अपराध गोष्ठी में पुरानी विवेचनाओं के निस्तारण, पुराने प्रार्थना पत्रों। ऋषिकेश के रहने वाले एक व्यक्ति ने मत्स्य पालन को अपने रोजगार का जरिया बना लिया है। इस रोजगार के माध्यम से वो मछली पालन से लगभग एक साल में 7 से 8 लाख रुपए की कमाई कर रहा है, जबकि लागत मात्र 1 से 1.5 लाख रुपए की आ रही है। वहीं सरकार भी ऐसे कार्यों के लिए अब सब्सिडी दे रही है। मछली पालन के लिए व्यक्ति ने अपनी 2.5 बीघा भूमि को एक तालाब में परिवर्तित करके उसमें मछलियों का पालन किया जा रहा है। उस तालाब में 4 प्रजाति की मछलियां पाली जाती हैं। वर्तमान में उसमें जो मछलियां पाई जा रही हैं वो आपको बता देते हैं। उनके तालाब में लगभग 10,000 से ज़्यादा मछलियां हैं। सूरजमणि ने बताया कि उन्होंने अपने तालाब में 4 प्रजाति की मछली पाली हुई हैं, जिसमें अमेरिकन फार्क, कातला, मृगल और ग्रास कटर की खेती की गई है। इसकी कीमत बाजार में अच्छी खासी फिलहाल मिल जाती है। पालन का काम मेरा लगभग 3 साल पहले शुरू हुआ था, जिसमें 1-1.5 साल मुझे इस चीज़ को समझने में लगे, इसलिए मैं प्रॉपर कर नहीं पाया। तो पिछले 1 साल समय से व्यवस्थित तरीके से कर रहा हूँ और मत्स्य विभाग का इसमें पूरा सहयोग मिल रहा है। वो समय समय पर इसकी देखभाल करने भी आते हैं। दवाइयाँ जो मछलियों को किसी कारण अस्वस्थ हो जाती हैं या किसी तरह की दिक्कत आती है तो उसके बारे में सुझाव देते हैं और गाइड करते हैं कि भाई इस वक्त उपचार किस तरह का उपचार किया जाना चाहिए। बहरहाल अभी तक ऐसी दिक्कत आई नहीं है, पर वो सम बुलाने पर वो समय समय पर आते रहते हैं। इस पे मैंने लगभग 4 प्रजातियां हैं जो डाली हैं। अब चारों प्रजातियों की बाज़ार में अच्छी मांग है। उसमें एक तो अमेरिकन कार्प है, एक कातला है, एक ग्रास कटर है, एक मृगल है और अच्छी खासी डिमांड है इनकी। लगभग बाज़ार में 250-300 रुपये किलो बिकती है और 1 से 1.5 साल के बीच ये बाज़ार में बेचने लायक हो जाती है। इनका वेट पूरा आ जाता है, लगभग 1.5 किलो वेट में आ जाते हैं। और कुछ एक दो अब 1-1.5 साल से कर रहा हूँ तो थोड़ा सा शुरू में तो दिक्कत आई, तो मुझे एक दो सज्जन लोग मिल गए जिन्होंने मुझे इस पे मैं हो बीच में थोड़ा हतोत्साहित भी हो गया था कि पूरी जानकारी भी नहीं थी और कैसे किया जाए। तो दो सज्जन मिले, एक तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट में हमारे साइंटिस्ट हैं, अब तो रिटायर हो गए, बस स्टेट गवर्नमेंट में साइंटिस्ट थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं श्री रामायण सिंह जी। अच्छा मेरे को सहयोग देते हैं, अच्छे सलाह देते हैं और समय समय पर आते भी हैं, मछलियों को देखते हैं, चेक करते हैं। और एक दूसरे मित्र हैं वो रामबदन जी, वो प्रैक्टिकली तालाब में जाल डालना, मछलियों को पकड़ कर बाहर लाना, फिर चेक करना और पानी कम करना है या घटाना है बढ़ाना, वो सारी जानकारियां देते रहते हैं। तो रोजगार की जहां तक बात आती है इसमें तो आप लोग उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB News। नमस्कार।